हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीआरआई। दोस्तों, पुराना गवर्नमेंट फिर से आ चुका है और इसीलिए मार्केट के अंदर हम लोगों को तेजी देखने को मिल रहा है। एफआईआई और डीआईआई दोनों ही मैक्सिमम टाइम मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मतलब एफआईआई फिर से इंडियन स्टॉक मार्केट में लौट आया है। देखिए, हफ्ते में 5 दिन मार्केट खुला रहता है और आप देख रहे हैं 4 दिन मार्केट ऊपर ही जा रहा है, इसीलिए इसे आप कह सकते हैं कि मार्केट में अभी बुल रन चल रहा है। और अगर इस तेजी में आप पीछे रह गए तो मार्केट में आप कब पैसा कमाएंगे, बताइए। आपको इस मार्केट में ऐसे स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करना है जिस सेक्टर में अभी ग्रोथ चल रहा है, मतलब टेलविंड चल रहा है, जो स्टॉक अभी भाग रहा है, उस तरह के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके आपको मार्केट के साथ चले या मार्केट से फास्ट ग्रो करना है, तभी जाके आप एक बड़ा अमाउंट कमा पाएंगे नेक्स्ट 5 to 6 years के अंदर। तो ऐसे ही कुछ स्टॉक के बारे में आज हम बात करेंगे जो फंडामेंटल वाइज, फाइनेंशियल वाइज बहुत ही स्ट्रॉन्ग कंपनी है, फ्यूचरिस्टिक बिजनेस कर रहा है और ये सारे स्टॉक जिस सेक्टर से आता है ये सेक्टर में अभी टेलविंड चल रहा है। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा पेशेंस के साथ अगर कोई इन्वेस्टर इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करते हैं वो बहुत एक्सीलेंट रिटर्न जनरेट कर सकते हैं, मल्टीबैगर रिटर्न कमा सकते हैं। तो जल्दी जल्दी सारे कंपनी का फंडामेंटल के बारे में जानेंगे, फाइनेंशियल के बारे में जानेंगे और कुछ टेक्निकल के ऊपर भी बात होगा। वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाला, अगर पॉसिबल हो तो वीडियो को एंड तक देखने की कोशिश कीजिए एंड वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिए एंड अगर आप सही स्टॉक का इन्फॉर्मेशन सही टाइम पे पाना चाहते हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, पास में बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो डालूं तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। पहला कंपनी का नाम है रामकृष्ण फॉर्जिंस लिमिटेड, एक्सीलेंट कंपनी, हमने इंडस्ट्री का मार्केट लीडर आप कह सकते हैं रामकृष्ण फॉर्जिंस लिमिटेड। रामकृष्ण फॉर्जिंस लिमिटेड प्राइमरली फॉर्जेज कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग करने की कामकाज करता है जो कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज एंड रेलवे इंडस्ट्री में यूज होता है। देखिए, इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट फॉर्जिंस प्लेयर इन इंडिया, एक्सीलेंट कंपनी, एकदम मार्केट लीडर आप कह सकते हैं। रेलवे ये सेक्टर आगे बहुत अच्छा खासा ग्रो करेगा, ऑलरेडी टेलविंड चल रहा है रेलवे सेक्टर के अंदर, इसीलिए रामकृष्ण फॉर्जिंस लिमिटेड का ग्रोथ पोटेंशियल मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है। अभी जब 753 रुपीज के अंदर मार्केट में ट्रेड कर रहा है शेयर, टेक्निकली अगर बात किया जाए तो स्टॉक देख सकते हैं ऑलमोस्ट एक बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है। मैं इधर में 1 साल का चार्ट लगाया है और 6 महीने में स्टॉक एक ही बॉक्स के अंदर ट्रेड कर रहा है, मतलब कंसोलिडेट कर रहा है रामकृष्ण फॉर्जिंस लिमिटेड का शेयर प्राइस। इस बॉक्स के अंदर ही ऊपर जा रहा है स्टॉक, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है स्टॉक, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है स्टॉक, नीचे आ रहा है, इस तरह से ही ट्रेड कर रहा है। देखिए, अगर कोई रामकृष्ण फॉर्जिंस लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यही सही टाइम है मुझे लगता है एक्युमुलेट करने की, धीरे धीरे करके इस स्टॉक में अभी एवरेज आउट किया जा सकता है। जब भी इस स्टॉक से शेयर बाहर निकलेगा तो बहुत बड़ा रैली मुझे लगता है रामकृष्ण फॉर्जिंस लिमिटेड में आ सकता है। टेक्निकल तो मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। चलिए एक बार कंपनी का फंडामेंटल के बारे में जानते हैं कि फंडामेंटली किस तरह से परफॉर्म कर रहा है कंपनी। सिर्फ 13,600 करोड़ का मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, इधर से मार्केट साइज, जिस तरह से सेक्टर में टेलविंड चल रहा है, जिस सेक्टर से रामकृष्ण फॉर्जिंस लिमिटेड आता है, 30,000 करोड़ भी जा सकता है शेयर प्राइस, इधर से 3 गुना इंक्रीज हो सकता है मार्केट साइज, 40 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही डबल डिजिट पे चल रहा है। इस साल कंपनी ने 341 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी पोस्ट किया, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ईपीएस की बात करो 18.9 चल रहा है, कंटिन्यूअसली ईपीएस ग्रो कर रहा है। डेट देखिए 1,200 करोड़ का डेट है बैलेंस शीट में, मैं फिर भी कंपनी को लो डेट कंपनी कंसिडर करूंगा। ऐसा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 1 से काफी नीचे चल रहा है, इसीलिए लो डेट कंपनी कंसिडर किया जाएगा। प्रोमोटर के पास 43% से ज्यादा का शेयर है, बट किसी के पास 5.5% शेयर प्लेज्ड करके रखा है, छोटा मात्रा में शेयर प्लेज्ड करके रखा है, बट प्रोमोटर भी 43% शेयर होल्ड करे, प्रोमोटर के हाथ में अच्छा खासा स्टेक होल्डिंग है। बड़े बड़े इन्वेस्टर भी रामकृष्ण फॉर्जिंस लिमिटेड को लेकर बहुत ही पॉजिटिव है, देख सकते एफआईआई इस स्टॉक में 24% से भी ज्यादा का शेयर होल्ड कर रही है, डीआईआई देख सकते हैं 3.69% स्टेक होल्ड कर रही है। और एक चीज आप नोटिस करेंगे, 2023 दिसंबर एफआईआई के पास कितना था, 23.59% शेयर था, फिर इस मार्च क्वार्टर में स्टेक को इंक्रीज किया है, चाहे वो एफआईआई बोलिए चाहे वो डीआईआई बोलिए, दोनों ही स्टेक को इंक्रीज किया है पिछले क्वार्टर के मुकाबले इस क्वार्टर में, और पब्लिक के पास 28% शेयर है। दोस्तों, बड़े हैंड्स के अंदर मैक्सिमम शेयर है, साफ साफ क्लियर हो जाता है। और मैं आप लोगों को इसीलिए दिखाया
कि आप लोग बोल सकते हो कि प्लेज्ड करके रखा है। नहीं दोस्तों, इसमें आप कंसिडर करके चल सकते इस प्लेजिस्टी को, क्योंकि बड़े हैंड्स में मैक्सिमम शेयर है, रिटर्न लिख सकते हैं 3 साल में और 5 साल में कितना बढ़िया मिल रहा है, 80% 53%, चाहे वो शॉर्ट टर्म रिटर्न बोलिए चाहे वो लॉन्ग टर्म रिटर्न बोलिए, दोनों ही बढ़िया चल रहा है। सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ, रॉकेट के स्पीड से बिजनेस ग्रो हो रहा है। प्रॉफिट ग्रोथ तो ट्रिपल डिजिट में चला गया है और सेल्स ग्रोथ 40% से ऊपर चल रहा है। रामकृष्ण फॉर्जेस लिमिटेड का बिजनेस बहुत फास्ट ग्रो कर रहा है, जब भी मौका मिले जहां पर भी मिले रामकृष्ण फॉर्जेस लिमिटेड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मुझे लगता है धीरे धीरे करके एवरेज आउट करके, ठीक है, लॉन्ग टर्म के व्यू से पेशेंस के साथ होल्ड करना है स्टॉक को, बहुत बढ़िया रिटर्न बन सकता है। नेक्स्ट कंपनी केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, 1995 में कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ था। केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, नाम से पता चल जाता है कंपनी कंस्ट्रक्शन रिलेटेड काम काज करता है, मतलब ईपीसी सर्विस प्रोवाइड करता है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन सर्विस प्रोवाइड करता है, हाईवे एडिगेशन अर्बन वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट के ऊपर पूरी तरह से काम काज कर रहा है केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड। और इंडियन गवर्नमेंट का पूरा फोकस जो है इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ही है, टेलविंड चल रहा है पूरे सेक्टर, इसीलिए केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड इस फील्ड में बहुत बढ़िया कंपनी है, लो वैल्यूएशन स्टॉक है, अच्छा फंडामेंटल ओन कर रहा है, जस्ट अभी 383 रुपीज के अंदर शेयर प्राइस मार्केट में चल रहा है, ऑलरेडी स्टॉक के अंदर बहुत बड़ा ब्रेकआउट आ चुका है। देखिए स्टॉक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन फाउंड करके ब्रेकआउट दे दिया है, अभी ऊपर ही तरफ चल रहा है, ट्रेंड पूरी तरह से ऊपर की तरफ बना हुआ है। केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में अगर कोई रिटेल इन्वेस्टर इन्वेस्टमेंट करना चाहे, एक साथ पूरा फंड बिल्कुल भी नहीं, धीरे धीरे करके एसआईपी वाइज या लामसम अगर आप करना चाहते हैं तो थोड़ा थोड़ा बहुत फंड लगा के इसमें आप एवरेज आउट करके चल सकते हैं। दोस्तों इधर से मुझे लगता है शेयर प्राइस डबल होने की पोटेंशियल रखते हैं, 600 रुपया 800 रुपया तक जाने की दम रखते हैं केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का शेयर प्राइस। टेक्निकल तो बहुत स्ट्रांग है कंपनी का, चलिए एक बार फंडामेंटल भी जान लेते हैं कि फंडामेंटली किस तरह से परफॉर्म कर रहा है। देखिए इससे 10,700 करोड़ का मार्केट साइज है, इधर से मार्केट साइज 30,000 करोड़ जाने की दम रखता है, क्योंकि पूरा सेक्टर में टेलविंड चल रहा है और फंडामेंटल भी स्ट्रांग है। 14 के मल्टीप्लाई पी पे चल रही है, कितना सस्ता पी के अंदर चल रही है देखिए, क्योंकि इंडस्ट्री पी 19 चल रहा है, इंडस्ट्री पी से सस्ता पी केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का मिल रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी 20% से ऊपर चल रहा है। इस साल कंपनी ने 752 करोड़ का नेट प्रॉफिट पोस्ट किया, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ईपीएस के अंदर शानदार ग्रोथ देखने को मिल रहा है, डेट कुछ है नहीं, 1200 करोड़ का डेट है, फिर भी लो डेट कंपनी, क्यों, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 1 से काफी नीचे चल रहा है। प्रोमोटर के पास 51% से शेयर ज्यादा शेयर है, प्लेज्ड करके नहीं रखा है। रिटर्न 3 साल का 19.6% और 5 साल का रिटर्न 20% से ऊपर चल रहा है, बहुत बढ़िया रिटर्न मिल रहा है दोस्तों केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के अंदर। नेक्स्ट 5 इयर्स तक मुझे लगता है ये रिटर्न रेशियो बरकरार रहेगा, ठीक है, बहुत बड़ा पैसा बन सकता है। सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ दोनों ही डबल डिजिट पे चल रहा है, बहुत फास्टली ग्रो कर रहा है केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का बिजनेस। नजर रखिएगा, जब भी मौका मिले आप केएनआर कंस्ट्रक्शन लिमिटेड में एवरेज आउट करके चल सकते हैं। नेक्स्ट कंपनी की नाम बताओ, उससे पहले बोलना चाहूंगा अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट में लिंक पिन कर दिया इंडिया के नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर हाउस का, उस लिंक के थ्रू आप बिल्कुल ही फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जर्नी शुरू कर सकते हैं। देखिए अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो लाइफ टाइम के लिए आपका ब्रोकरेज चार्ज और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपका डीमैट अकाउंट का बिल्कुल फ्री हो जाएगा, ये फायदा आपको मिलेगा। इसके साथ साथ और भी एक फायदा मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट गाइड मिलेगा, जो सर्विस को लेने के लिए लोग हजारों हजारों रुपया स्पेंड कर देते हैं, ये सर्विस आपको बिल्कुल फ्री में मिल सकता है। आफ्टर डीमैट अकाउंट ओपन आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद उस टेलीग्राम चैनल में आप ज्वाइंट हो जाइए, ठीक है, और फिर आपको इन्वेस्टमेंट गाइड बिल्कुल फ्री मिलता जाएगा। तो जल्दी जाइए लिंक को यूज करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए, अगर आपके नाम पे ऑलरेडी डीमैट अकाउंट ओपन है। अगर आप दूसरा डीमैट अकाउंट ओपन नहीं करना चाहते तो नो प्रॉब्लम, फैमिली मेंबर के नाम से भी डीमैट अकाउंट ओपन करके ये सर्विस आप बिल्कुल फ्री में गेट कर सकते हैं। अदरवाइज आपके नाम पे एक डीमैट अकाउंट है, आप दूसरा तीसरा चौथा जितने भी चाहे डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। नेक्स्ट कंपनी गुड लक इंडिया लिमिटेड, एक्सलेंट कंपनी है गुड लक इंडिया लिमिटेड, अपनी इंडस्ट्री का लीडिंग कंपनी है गुड लक इंडिया लिमिटेड। एक्चुअली कंपनी इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करता है, कंपनी मैन्युफैक्चरिंग क्या करता है, सीट्स पाइप इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर्स फैब्रिकेटेड स्ट्रक्चर फॉर्जेंस एंड ऑटोमोबाइल ट्यूब्स। कंपनी का प्रोडक्ट भी रेलवे सेक्टर में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में
यूज होता है। टेक्निकली बात किया जाए तो गुडलक इंडिया लिमिटेड का शेयर प्राइस अभी 925 रुपीस पे चल रहा है। देखिए अपने लाइफ टाइम हाई से गुडलक इंडिया लिमिटेड ऑलमोस्ट 19% डिस्काउंट पे मार्केट में मिल रहा है। जो अच्छा स्टॉक होता है वो नीचे में एवरेज आउट किया जा सकता है। अगर कोई इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना चाहता है तो धीरे धीरे करके आज ही से एवरेज करना चाहिए। इधर से शेयर प्राइस डबल होने की पोटेंशियल लगता है, 2000 रुपीस जा सकता है। सिर्फ 5 साल के लिए होल्ड करना है, इधर से बहुत बड़ा रिटर्न मिल सकता है। सिर्फ डबल नहीं, इन्वेस्टर 3 गुना 4 गुना 5 गुना रिटर्न गुडलक इंडिया लिमिटेड से कमा सकते हैं। चलिए जल्दी से कंपनी का एक बार फंडामेंटल के बारे में जान लेते हैं। तो कंपनी अभी जस्ट 2900 करोड़ का है, ठीक है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, 3000 करोड़ का भी कंपनी नहीं है। इधर से 10000 करोड़ जाने की दम रखता है। स्टॉक का जो पी चल रही है 22 पे पी चल रही है, बहुत सस्ता वैल्यूएशन के अंदर अवेलेबल है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, रिटर्न ऑन इक्विटी दोनों ही देखिए डबल डिजिट पे चल रहा है। इस साल कंपनी ने 132 करोड़ का नेट प्रॉफिट भी पोस्ट किया, कंसिस्टेंटली प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। ईपीएस के अंदर जबरदस्त ग्रोथ, 40 से ऊपर ईपीएस चल रहा है। डेट की बात करूं बहुत लो डेट कंपनी है, 600 करोड़ का डेट दिखा रहा है। डेट टू इक्विटी रेशियो देखिए 1 से काफी नीचे चल रहा है, ऑलमोस्ट 50% डाउन चल रहा है 1 से, ठीक है, बहुत लो डेट कंपनी है। प्रोमोटर के पास 54% से ज्यादा का शेयर है, प्लेस तो करके नहीं रखा है। रिटर्न क्या बढ़िया मिल रहा है, देखिए 3 साल का रिटर्न 100% से ज्यादा, 5 साल का रिटर्न 69% से ज्यादा। दोस्तों अगर इधर से 5 साल में इससे आधे परसेंटेज से भी रिटर्न मिल जाए तो इन्वेस्टर का फंड कई गुना तक बन सकता है, 5-6 गुना हो सकता है। और सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ देखिए डबल डिजिट पे चल रहा है, 30% से ऊपर चल रहा है सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ। बुलेट के स्पीड से गुडलक इंडिया लिमिटेड का बिजनेस जो है वो ग्रो कर रहा है। जब भी मिले, जहां पर भी मिले, मुझे लगता है गुडलक इंडिया लिमिटेड में एवरेज आउट करना चाहिए, बहुत फैंटास्टिक कंपनी है। दोस्तों ये था तीनों कंपनी जो अपने सेक्टर में बहुत बढ़िया काम कर रहा है। जिस सेक्टर से ये सारे कंपनी आता है, सेक्टर में टेलविन चल रहा है, जो कि आप लोगों को इस वीडियो से पता चली गया हो। बट ये किसी तरह की रिकमेंडेशन वीडियो नहीं, मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिसिस नहीं हूं, इसीलिए मैं किसी स्टॉक के ऊपर पर्टिकुलर बाय सेल कॉल रिकमेंड नहीं कर सकता, ठीक है। मैं इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता हूं इन्वेस्टमेंट एजुकेशन पर्पस के लिए, बट बाय सेल कॉल रिकमेंड नहीं कर सकता। इस सारे स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ कंसल्ट कीजिए, वो क्या बोल रहे हैं उसी हिसाब से काम कीजिए जो सेबी रजिस्टर्ड है। बट हां, जाते-जाते यही बोलना चाहूंगा, अगर आप फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट में लिंक पिन कर दिया है इंडिया के नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर हाउस का। उस लिंक के थ्रू आप बिल्कुल ही फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन करके स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट जानी शुरू कर सकते हैं। अगर आप हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे तो लाइफ टाइम के लिए आपका ब्रोकरेज चार्ज और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज आपका डीमैट अकाउंट का बिल्कुल फ्री हो जाएगा। ये बड़ा फायदा आपको मिलने वाला है अगर हमारे लिंक से डीमैट अकाउंट ओपन करेंगे। साथ साथ और एक फायदा मिलेगा, इन्वेस्टमेंट गाइड मिल जाएगा। आफ्टर डीमैट अकाउंट ओपन इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, उस टेलीग्राम चैनल में ज्वाइंट हो जाइए और फिर इन्वेस्टमेंट गाइड मिलते जाएगा डीमैट अकाउंट ओपन करने के बाद। तो जल्दी जाइए, लिंक को यूज करके फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर लीजिए।